गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलवर ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं सरिस्का फन सिटी बॉर्डर पार्क और मेरे साथ है मोहित। तो यार काफी ज्यादा जो है मजा आने वाला है क्योंकि अलवर का ये सबसे बड़ा बॉर्डर पार्क है और हम आपको जो इसमें एक एक चीज के बारे में बताने भी वाले हैं कि इसकी टिकट प्राइस क्या है और अंदर से कैसा है और आपको आना चाहिए या नहीं, तो एक एक बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सरिस्का फन सिटी बॉर्डर पार्क में। यहाँ पे आपको जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर जगह पार्किंग के हिसाब से होती है कि पार्किंग की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ कार ऑलरेडी खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये सब पार्किंग के हिसाब से ही बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको पार्किंग के लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और सेकेंड चीज़ जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी हम क्या सुबह जल्दी आ गए थे तो काफ़ी सारी जो है शॉप वगैरह बनी हुई है फास्ट फूड की, तो जो खाने के शौकीन हैं तो उनको तो यार काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आ जाएगा यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है खाने की। और सेकंड चीज़ जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं, हाँ बच्चों के एडवेंचर के लिए झूले वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी ये शायद नाइट के टाइम चलते हैं, अभी यहाँ टाइम नहीं हुआ है इनका चलने का, तो ये शाम को ही चलते हैं। और सामने जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है सरिस्का फन सिटी वाटर पार्क का एंट्री गेट, तो काफ़ी अच्छा जो है एंट्री गेट बनाया गया है यार और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके एंट्री करते ही आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। फन सिटी वाटर पार्क के अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहला आपको मिलने वाला है होटल राव, और काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी पुराना होटल है यार, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट वगैरह बने पड़े हैं। तो अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे और आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप वाटर पार्क के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। तो अभी तो हम जो है एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं यार, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आएगा और आप सेल्फी भी ले सकते हो। और काफ़ी अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे सुविधा की गई है हर चीज़ की, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है। सामने राव होटल है, इसके अंदर जो है बाबा ठाकर दास कलाकंद वाला हो गया, तीजा वाला हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हाँ रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो और यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है जिसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप आना चाहो तो अभी 17 तारीख तक जो है आपको 1 बजे एंट्री मिलेगी वाटर पार्क के लिए, और आपको जो है टिकट प्राइस जो आपका 700 रुपये का था वो 500 रुपये का हो गया है, और जो बच्चों का था 500 का वो 350 रुपीज़ का। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा आई लव अलवर, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फी पॉइंट वगैरह लोग वाक पब्लिक सेल्फी लेती है और एक काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय फेमस है, और एक नेहरू गार्डन में भी ये बना हुआ है। और नाइट के टाइम जो है आप लोगों को ये इसमें लाइट जलती है तो काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है यार ये। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग जो है बनाई गई है, यहाँ पे भी आप सेल्फी ले सकते हो। यहाँ तक आने में आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, फ्री है बिल्कुल, अब यहाँ तक बिल्कुल आ सकते हो, कोई चार्जेबल आपका नहीं है। तो चलिए अभी हम चलते हैं होटल के अंदर और आपको दिखाते हैं होटल अंदर से कैसा है यार, क्योंकि 1 बजे तक हमें जो है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमें वाटर पार्क के लिए एंट्री मिलेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है बस 17 तारीख तक की है, उसके बाद हाँ सुबह से ये दोबारा से फिर से ओपन हो जाएगा। तो कोई ना, पता नहीं था इसलिए जल्दी आ गए, अभी देखते हैं। थोड़ा सजाए भी गया इसको यार, मुझे लगता है कुछ हुआ है इसके अंदर, प्रोग्राम कुछ किया होगा। तो ये है इसका अंदर से लुक, काफ़ी शानदार लग रहा है यार। और जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कपड़े वगैरह अगर लेने हैं तो उसकी भी शॉप वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी अच्छे से। और काफ़ी जैसे शक्ति फ्रेश वाला हो गया, हाँ कलाकंद बाबा ठाकरसा वाला भी हो गया, यहाँ पर तीजा वाला भी है, तो काफ़ी जो है यार हम वैरायटी की शॉप वगैरह खुली हुई है, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर आकर बैठ सकते हो अच्छे से, और काफ़ी अच्छा जो स्पेस हाँ दिया गया है। गेम शोरूम भी है ऊपर, तो गेम खेलने के लिए ऊपर जो है बनाया गया यार, तो आप एडमिशन वगैरह कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि बच्चों को ला सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध की गई है। और सामने जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है ओल्ड राव होटल, तो अपने फैमिली के साथ आप खाना खाने के लिए आ सकते हो और बड़े पार्टी भी आप यहाँ पर आकर बना सकते हो। तो टोटल मिला के सब कुछ बढ़िया है यहाँ का। और ये अंदर से मैंने आपको दिखा दिया है कि अंदर से रेस्टोरेंट कितना बड़ा है और दिखने में क्या। वाटर पार्क के पास आते जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग जो हमें देखने को मिल रही है, मोटू पतलू हो गया, सिंगम हो गया,
चिंगम हो गया, स्पाइडर मैन हो गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यार, काफ़ी अच्छी अच्छी जो है पेंटिंग बनाई गई है, तो काफ़ी अच्छे जो है यहाँ की लोकेशन दी है यार वाटर पार्क वालों ने, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। और अलवर के अंदर आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि ऐसी चीज़ें नहीं मिलती आसानी से यार। जैसे कि आप लोग देखो टॉम एंड जेरी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो है सुपरमैन हो गया, तो काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। तो यहाँ से जो है शुरुआत हो चुकी है वाटर पार्क के जाने के लिए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा ये है टिकट प्राइस सामने वाटर पार्क में अंदर जाने के लिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि जो टिकट है मंडे से सैटरडे जो है 700 रुपीज़ है बड़ों के लिए, और जो बच्चों के लिए है वो है 400 रुपीज़। और समथिंग जैसे कि आप संडे को आते हैं हॉलीडे पे, तो आपको जो है 100 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, बच्चों की हो जाएगी 500 और बड़ों के लिए 800। तो चलिए सामने जो है टिकट काउंटर है, तो आप टिकट ले लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है एंट्री करेंगे वाटर पार्क के लिए यार। तो काफी तो जो है मजा आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कब तक रहती है बाहर निकलने की? 6 बजे के बाद बाहर आना ही पड़ेगा, 6 बजे बाद ये बंद हो जाता है। तो जैसे कि भाई ने बताया कि 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, और उसके बाद हमें जो है बाहर आना पड़ेगा। सतीश का फन सिटी वाटर पार्क जितना अच्छा मुझसे हो रहा है, मैं तो शूट करने आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यार शूट। तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना यार। के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अभी, और काफ़ी अच्छे अच्छे जो व्यू आ रहे हैं यार, काफ़ी अच्छा जो है मज़ा आने वाला है वीडियो के लिए। तो बच्चे वगैरह जो आके नहा सकते हैं आराम से, और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा वाटर पार्क लगा, काफ़ी अच्छी जो है सिक्योरिटी आपको जो है मिलने वाली है यहाँ पे, तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ नहा रहे हैं यार, तो बच्चों को लेकर जो है आप आ सकते हो वाटर पार्क। काफ़ी बड़ी बड़ी राइड जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने, काफ़ी बड़ी बड़ी राइड इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। और अभी हम जाने वाले हैं वेव में, मैं आपको वेव भी दिखाने वाला हूँ, अभी वेव का टाइम हुआ नहीं है आने का। तो काफ़ी अच्छा जो है मुझे लगा यहाँ आकर। अभी हम जाने वाले हैं पानी के अंदर, तो चलिए चलते हैं पानी के अंदर और आपको जो है दिखाते हैं राइड वगैरह यहाँ की, एक एक राइड कैसी है और कितनी खतरनाक है और कितने मज़े जो है हमें आने वाले हैं इसमें। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ ये है राइड, जिसमें जो है कुछ लोग राइड पर जा रहे हैं और आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सामने से लोग राइड पे से आ रहे हैं, और काफ़ी जो है इसमें आप डबल लोग भी जा सकते हो, सिंगल नहीं जा सकते, तो आपको जो है डबल ही जाना पड़ेगा ऊपर यार। और जैसे कि भाई वगैरह जो है ऊपर लेके जा रहे हैं ट्यूब, वो भी डबल के लिए, तो आपको जो है डबल ही होकर आना पड़ेगा इसके नीचे, सिंगल के लिए अलाउ नहीं करते यहाँ पर यार। काफ़ी ऊँचाई पर ये बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी राइड ये है। मुझे डर लगता है तो इसलिए मैं जा नहीं रहा राइड पर यार, तो अभी देखते हैं, जाना होता ही नहीं होता अपना। फिलहाल अभी जो जा रहे हैं उनके बारे में आपको भी दिखा रहा हूँ। ये राइड जो है बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, आप अपनी फैमिली से आ सकते हो, काफ़ी अच्छे जो है आप लोगों को लगेगा यार। तो बड़े और बच्चे जा सकते हैं इस राइड में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अलाउ है आपको जाना। तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, तो मैं आपको भी एक एक राइड दिखाने वाला हूँ वैसे तो, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस राइड में होकर आया, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ा आया यार, काफ़ी ज़्यादा फन मैंने किया। और बड़े भी जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं यार। तो अभी हम जा रहे हैं बड़ी वाली राइड में, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, तो चलिए इस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो है हमें इसमें फन आने वाला है और कितना डर जो है हमें लगने वाला है इसमें यार। चलिए ऊपर और दिखाते हैं आपको राइड। तो आपको काफ़ी सारे जो है यार राइड मिल जाएगी आराम से, और काफ़ी लोग जो जाते भी है राइड में यार, कुछ लोग नहीं भी जाते। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, जो आपकी ट्यूब होती है ट्यूब वगैरह आपको खुद लेके आना पड़ेगा नीचे से, और उसके बाद जो आप राइड पे जा सकते हो, कुछ ट्यूब के साथ जा सकते हो, कुछ बिना राइड जो है बिना ट्यूब के भी है यार। तो जैसे आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग जो जा रहे हैं, ठीक है भाई अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो एक राइड और भी है, तो हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा बकायदा भाई हमारे साथ ही है यार। तो भाई जो ये वेव है, वेव कब चलेगी यहाँ पे? और उससे पहले कब चलती है फिर यहाँ पे? 2 बजे उससे पहले? पहले नहीं, 2 बजे। और जब एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद जो इसका म्यूजिक सिस्टम है, मतलब कब चालू होता है, मतलब बकायदा? ये 11 बजे चालू, 11 बजे चालू हो जाता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा जो है भाई बता रहे हैं अच्छी अच्छी बात है हमें, क्योंकि वेव वगैरह जो 5 बजे चलेंगे, सीधा हम थोड़ा लेट आए थे यार,
बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो और भी ठीक है। ठीक है, आप लोग साथ में जिस राइड हम गए थे वहीं पर दूसरी राइड भी है यार, उसमें मैं जाने वाला नहीं हूँ। काफी ज्यादा जो है हाँ खतरनाक राइड है और लगता है मेरे को डर। देखो सीधी बात यह है, तो मैं अभी आपको राइड दिखाता हूँ। तो काफी ऊंची राइड है और इसमें से वैसे भी कोई आ भी नहीं रहा है डर के मारे। तो यहाँ पे जो जो राइड है उसके बारे में आपको एक एक जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ पर एक कैंटीन भी है, तो मैं आपको कैंटीन भी दिखाने वाला हूँ। और जो इसकी वेव है वो शाम को 5 बजे चलने वाली है, 1-2 बजे चलती है, 5 बजे चलती है, उसके बाद जो है वेव नहीं चलती है यहाँ पे। तो वेव में तो अभी टाइम है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो राइड है ये काफ़ी खतरनाक राइड है यार, तो मैं तो जा नहीं रहा इसमें। और वैसे भी आप लोग देख सकते हो इसमें कोई भी नहीं जा रहा यार। तो राइड तो काफ़ी अच्छी अच्छी है, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ा पार्ट जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ नहीं है। और जैसे आप लोग देख सकते हो बच्चों के लिए भी अलग से जो है राइड वगैरह का इंतजाम इसमें किया गया है वाटर पार्क के अंदर। तो चलिए मैं आपको कैंटीन वगैरह दिखाता हूँ और जहाँ वेव चलती है उसको भी दिखाता हूँ। जब वेव चलेगी तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आप लोगों को बता दूं ये वेव का भी टाइम नहीं हुआ चलने का, तो 5 बजे के आसपास जो ये वेव चलेगी यहाँ पर। और सामने जो है कैंटीन आप लोगों को मैं दिखा दूंगा घूम करके, मतलब 5 चली रहे। खाने पीने की सुविधा भी यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध है, तो काफी जो है आप खाना पीना यहाँ कर सकते हो अपना यार। तो ये कैंटीन हो चुकी है वाटर पार्क की और वेव मैंने आपको दिखा दिया है। तो वेव अभी चल नहीं रही है, वेव चलेगी 5 बजे के आसपास। तो कुछ बच्चे नाक में कैसा लग रहा था यहाँ पे? बढ़िया मजा आ रहा है। तो वेव में गए थे पहले? गए थे। कब आए थे तुम यहाँ पर? दो बजे वेव मिल गई होगी तुम्हें ना? उसके बाद वेव तो अभी 5 बजे के आसपास चलेगी दोबारा ना। तो कैसी लगी वेव तेरे को? अच्छा मजा आया। तो नाम क्या आपका और आपका? तो भाई भाइयों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो भाई राघव बता रहे हैं काफी अभी जो है उनको फोन आया हाँ वेव में। तो भाई ठीक लगा आपको पटा पार के? और जैसे कि मैं आप जा रहा हूँ वेव की साइड, वेव चलना चालू हो चुकी है यार। तो वेव के लिए जो है मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। और वेव यहाँ पर जो है 5 बजे और 2 बजे के आसपास ही चलती है, उसके बाद नहीं चलती है यार। तो चलिए वेव के बाद चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग जो है पहुँच जा चुके हैं। और यहाँ पे एक कारण हो रहा है, जैसे कि वेव चलती है ना तो उसके बाद सारे राइड जो है देखो खाली हो चुके हैं। जैसे कि मैं लोग दिखाता हूँ आपको, पूरा का पूरा जो है बाटा पर खाली हो चुका है और सबके सब जो है वेव की साइड जा चुके हैं। तो चलिए वेव में चलते हैं। ये 8 फुट गहरी है यार, तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे हम, और जिसको तैरना आता है वो ही आगे जाए, हम पीछे से जो है एंजॉय कर लेंगे।